Welcome back. You're watching Election Exchange. Uh, fresh polling took place at 11 booths in Inner Manipur under stringent security measures. This after alleged incidents of vandalism, destruction of EVMs, and firing by miscreants were reported during the first phase of the Lok Sabha polls on Friday. The Election Commission declared the polls in these 11 stations null and void on Saturday. Now, in uh what comes as an unprecedented turn of events? BJP's Surat Lok Sabha candidate Mukesh Dalal was elected unopposed. This after nominations of the Congress candidate Nilesh Kumbani and his backup were cancelled over alleged discrepancies in the signature of the proposers and all remaining eight candidates withdrew their nomination. so why were the congress candidates rejected? as per the returning officer, the four nomination forms submitted by the two congress candidates did not appear genuine. the returning officer said that the proposers in the affidavits had said that they had not signed the forms themselves. the congress has said that it will challenge the order in the court. my colleague uh, kirtesh patel joins us from surat now. kirtesh abhamepatayee, uh, क्या हुआ कांग्रेस का और बाकी ऑपोजिशन पार्टीज और कैंडिडेट्स का क्या कहना है इसके बारे में बिल्कुल गुजरात के आर्थिक पाटनगर माना जाता है सूरत क्योंकि डायमंड और कपड़ा उद्योग सबसे बड़ा और ये सीट इसलिए भी महत्व की थी गुजरात भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष इस बार जीत से ज्यादा लीड का महत्व था जिसके चलते लगातार पिछले कई दिनों से प्रचार चल रहा था मगर जिस तरह से कांग्रेस उम्मीदवार नीलेष कुम्बानी का फॉर्म रद्द किया गया था उसके बाद कहा जाता है कि सूरत बैठक पे अलग अलग पार्टियों के आठ कैंडिडेट थे और जिस तरह से पिछले दो दिन से हाई वोल्टेज ड्रामा सूरत में चल रहा था उसका अंत कल शाम को आ गया था नीलेश कुंभानी जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे उनका फॉर्म जैसे ही रद्द किया गया वैसे ही भाजपा ने अब ये सीट बिन बिनहरी मतलब किसी भी कैंडिडेट बिना जीतने का नक्की किया था और आज सुबह जब फॉर्म खींचने का आखिरी दिन था और लगातार आज सुबह से एक कर एक बात एक फॉर्म खींचना शुरू हुआ था लगातार आठ जो कैंडिडेट थे उन्होंने फॉर्म अपने जो नॉमिनेशन भरा था वो ले लिया जिसके चलते सूरत के भाजपा के उम्मीदवार थे मुकेश दलाल जो बिन हरीफ जीत चुके हैं लगातार कहा जाता है कि सबसे बड़ी भाजपा की जीत हो सकती है क्योंकि गुजरात की जो है उसका एपी सेंटर सूरत था और सूरत की सबसे पहले मतलब लोकसभा 2024 के चुनाव होने से पहले पहले सीट पे और खास करके वो भी सूरत से भाजपा ने कब्जा किया है जिस तरह से इस बार कहा जाता है कि भाजपा को जीत से ज्यादा 400 पार की बात की गई थी और गुजरात में जो सीटें भाजपा के पहले कैंडिडेट विन हो रहे थे उनको ज्यादा से ज्यादा लीड की बात थी वैसे में बिना इलेक्शन हुए पहली सीट मिलने से भाजपा में काफी खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है खास करके गुजरात ऐसे भी भारत में गुजरात रोड मॉलर है और खास करके गुजरात का सूरत शहर आर्थिक पाटनगर माना जाता है वैसे में सूरत की सीट जिस तरह से भाजपा ने हासिल की जिसके चलते भाजपा और खास करके देश में एक नया इतिहास गुजरात और सूरत में देखा गया है राइट right. uh, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए uh, अब आगे देखते हैं क्या होता है इसमें और गुजरात में uh, बीजेपी कैसे परफॉर्म करती है और ये तो uh, भाजपा का गढ़ है प्राइम मिनिस्टर का गढ़ है और उनका घर है नाउ मूविंग ऑन बीजेपी